नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना ने आम आदमी के जीवन में ऐसा संकट खड़ा कर दिया है कि उसे सूझ नहीं रहा है कि कैसे तो वो 2 जून की रोटी जुटाए और कैसे अपनों के सुख दुख में शिरकत करे। तेलंगाना का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसको सुन करके आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल हुआ ये था कि तेलंगाना के निजामाबाद के बुधान में एक स्कूल में पढ़ाने वाली रजिया बेगम और उसका बेटा लॉकडाउन की वजह से इतनी बुरी तरह से अलग अलग जगहों पर फंसे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हुआ ये था कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में वो उनका लड़का फंस गया था और इसकी शुरुआत ऐसे कुछ हुई कि रजिया का बेटा निजामुद्दीन हैदराबाद में कोचिंग में पढ़ाई करता है, वह इंटरमीडिएट का छात्र है। बीते महीने निजामुद्दीन नेल्लोर के रहने वाले एक दोस्त के साथ तेलंगाना में अपने घर बुधान आया था। इसी दौरान निजामुद्दीन के दोस्त को खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा दोनों भागे भागे वो नेल्लोर पहुंचे और कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान जो है लॉकडाउन घोषित हो गया। अब जो निजामुद्दीन था वो नेल्लोर में फंस गया और माँ को बार बार फोन कर रहा था कि अब मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। माँ के सामने दो ही रास्ते थे कि या तो बेटे को उसके हाल पे छोड़ दे या फिर संघर्ष करे। तो रजिया के पास और कोई साधन नहीं था, सिर्फ एक स्कूटी थी। चूंकि वो टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो स्कूटी से ही अपने बच्चे को ले आएंगी। और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोई नियम कानून तोड़ा। जब उनके सामने मुसीबत ये खड़ी हो गई तो उन्होंने पुलिस अफसरों से संपर्क किया कि ये पूरी स्थिति है और मुझे इजाज़त दी जाए अपने बेटे को लाने के लिए। पुलिस से अनुमति पत्र लेकर रजिया अपने स्कूटी से ही जो है निकल पड़ी और नेल्लोर पहुंची। और नेल्लोर पहुंचने के बाद उसने निजामुद्दीन यानी अपने बेटे को लिया और फिर जो है वापस तेलंगाना बुधान आ गई। इस दौरान उसने कम से कम 1400 किलोमीटर स्कूटी चलाई और रजिया ने रास्ते का अपना अनुभव शेयर किया कि जंगल भी पड़े, सुनसान इलाके भी पड़े, लेकिन उसे डर इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही सीन था कि वो अपने बेटे को कैसे सुरक्षित अपने साथ ले आए, उसको अकेले नहीं छोड़ सकती चाहे उसकी जान चली जाए। तो इस तरीके से रजिया ने एक तरह से कह सकते हैं कि ये साबित कर दिया है कि माँ माँ होती है, वो मुसीबतों के पहाड़ को तोड़ सकती है, उसको क्रॉस कर सकती है। और ये लॉकडाउन जो है एक माँ को अपने बेटे को लाने से नहीं रुक सकता क्योंकि उसका संकल्प एकदम पक्का था, इरादा मजबूत था, लिहाजा वो सक्सेस रही। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।